वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछले साल पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन आज है जो कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आया था। प्रश्न नंबर है ये छठे का और चार नंबर का पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन हमारा है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 से संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है और एक द्विघात समीकरण का सवाल चार नंबर का आता है जनरली। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण लगभग से 7 से 8 नंबर की पेपर में आपको मिलेगी ही। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, आप देखिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया दो क्रमागत सम संख्या, तो हम क्रमागत संख्याएँ मान लेंगे। और सम संख्याएँ क्या होती हैं? सम संख्याएँ होती हैं जो दो से विभाजित हो जाएँ, जैसे 2, 4, 6। ठीक है, तो हमने मान लेंगे अपनी हमारी पहली क्रमागत संख्या कितनी है, एक्स। ठीक है, मानना पहली क्रमागत सम संख्या एक्स। अब पहली एक्स है, मान लीजिए पहली हमारी संख्या है 2, तो दूसरी की कौन सी आती है, 4। ठीक है, यानी कि इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो हमारी दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर हो जाएगी एक्स प्लस 2। अब एक्स प्लस 1 क्यों नहीं होगी, क्योंकि हर हमारा जो सम नंबर है वो दूसरे अंक पर आता है। जैसे 2 है, 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर एक्स है, तो इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो हमारी अगली वाली सम संख्या में प्राप्त होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमसे कहा गया है सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, वर्गों का योगफल यानी कि प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है वर्गों का योगफल। अब वर्ग इन संख्याओं का, तो देखिए सबसे पहले हमारा है एक्स, तो इसका वर्ग, ठीक है, और प्लस है दूसरी संख्या एक्स प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, इनका वर्ग देखिए दिया गया 244 बराबर 244। ठीक है, तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगा देंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 दुना हो जाएगा 4, प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 2x को 2 से करेंगे आ जाएंगे यहाँ पर 4x बराबर 244। ठीक है, उसका देखिए एक्स स्क्वायर जुड़कर हो जाएंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, और इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4x, ये 244 इधर ले आएंगे और इधर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ 244 देखिए माइनस का है और प्लस का 4 है, तो घट जाएगा, जब माइनस का बड़ा होता है तो घट जाता है लेकिन आता है माइनस में, 244 से 4 घट जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के 240 और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए सब में इसमें ये कामन जो हमारा आया है कितना आया है, 2 कामन आया है सब में। ठीक है, इसमें 2 कामन ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 120 बराबर 0। ठीक, अब ये 2 इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा 0/2, 0/2 का मान जानते हैं क्या हो जाएगा 0, तो हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 120 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसे चाहे गुणनखंड विधि से हल कीजिए, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए और चाहे द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, आपको एक्स के मान निकालना है। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखिए आप माइनस लगाएं यानी कि घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो, 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर और जो सी है यानी कि इसका जो हमारा क्या है व्यंजक, इसका गुणनखंड 1 है और 120 यानी कि मल्टीप्लाई आना चाहिए 120। ठीक है, कैसे आना चाहिए 120 का, 120 के गुणनखंड करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ 2 से करेंगे हो जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 15, और फिर यहाँ हो जाएगा 3 से, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे इसके गुणनखंड। अब यहाँ से हमें 2 संख्याएँ निकालनी है। ठीक, तो देखिए कौन सी 2 संख्याएँ हो जाएंगी, 2 × 4 × 8 नहीं बनेगा हमारा, तो हमारी संख्याएँ कौन सी हो जाएंगी, 2 × 4 × 8 = 24 × 5 = 120। ठीक है, तो संख्याएँ हमारी बनेंगी इसमें 12 और 10। ठीक है, कौन सी बन जाएंगी, 12 और 10, कैसे, चलिए हम यहाँ पर आपको लिख कर बता दे रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक, पहले हम मान लो इसको लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 15,
तो 15 अट्ठे 120 कूड़ा तो 120 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर घटाने पर हमें 2 नहीं प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इनको ले लिया जाए इनको साथ में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दुना 4 3 12 और 2 5 10। अब देखिए घटाने पर भी हमें 2 प्राप्त हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई भी हमें प्राप्त हो जाएगा 120। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फिट कौन सा बैठ रहा है, 12 और 10। ठीक, अब 12 10 लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर कितना आना चाहिए था 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 यहाँ पर कर देंगे 12 माइनस 10। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, और -120 = 0। फिर से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आप कैसे जान पाएंगे हमें कौन सी संख्या लाना है 2 और कैसे लाना है। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा ये वाला अचर पद होता है, यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, यानी कि हम जान जाएंगे 2 संख्याएं ऐसी हों जिन्हें घटाने के बाद कितना आए जो एक्स के साथ में हुआ है, और गुणा करने पर जो होता है इधर इनका इनका मल्टीप्लाई यानी कि 120 है। ठीक, तो घटाने पर आए 2 और गुणा करने पर 120, तो 2 संख्या हो जाएंगी 12 और 10, और 12 10 को यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से कि इस पर कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, अब देखिए जो ये समीकरण है वही ये लिखी है, अब चलिए इसको खोल देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x - 10x - 120 = 0। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 12। ठीक, इसमें देखिए कॉमन कितना मिला, माइनस का 10, तो यहाँ ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए कितना कॉमन मिल रहा दोनों में, एक्स प्लस 12, यहाँ से एक्स प्लस 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा एक्स, तो बाहर चला गया, माइनस हमने लगा लिया 10, ये भी बाहर आ गया बराबर 0। ठीक, इतना हमारा आ गया, अब क्या करेंगे एक्स प्लस 12 बराबर 0 कर देंगे और एक्स माइनस 10 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा -12। ठीक है, और इधर से कितना आ जाएगा एक्स बराबर 10। ठीक, तो हमारी 2 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, देखिए हमारे सवाल देखिए क्या कहा गया था, ये देखिए सवाल हमारा है, कहा गया था 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं। ठीक है, तो हमारी धनात्मक सम संख्याएं कौन सी होनी, ये तो जो हमारी संख्या आई है देखिए यहाँ पर ये ऋणात्मक आई है, तो इसको हम नहीं लेंगे, हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी ये। ठीक, तो हमारी जो पहली संख्या आ गई है, पहली सम संख्या जो आई है हमारी वो आ गई है एक्स बराबर 10। अब दूसरी निकालना है, तो दूसरी हम सब निकाल लेंगे x प्लस 2 से, हमारी दूसरी संख्या देखिए कौन सी थी, x प्लस 2, देखिए हमने यहाँ पर माना था, ये देखिए हमने दूसरी माना था x प्लस 2, तो इसमें मान रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी हमारी थी x प्लस 2, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 10 + 2 = 12। ठीक है, तो 2 संख्या हमारी वो कौन सी हो गई, 10 और 12। अब देख लीजिए 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 12 का करेंगे 144 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 244। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।